अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने सुना होगा एडसेंस लोडिंग के बारे में, बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी देख रहे हैं आप लोग फलां फलां, और यकीन करें कि लाखों रुपए में लोग ये मेथड्स बेच रहे हैं और फलाना डिंगना कर रहे हैं सारा कुछ। आप लोगों को हर चीज़ का पता है, ठीक है। मुझे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, शफीक भाई एडसेंस लोडिंग मेथड सिखा दें। अब ये पता नहीं लोडिंग, मैं तो पहले तो मैं ये सोच में पड़ गया कि लोडिंग होती क्या है, ठीक है। जब मुझे सारा सीन सिनेरियो पता चला तो एडसेंस लोडिंग की अगर बात की जाए तो आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या मुझे पता नहीं होगा कि ये काम कैसे होता है, मैं क्यों नहीं बताता आप लोगों को। पहले मैं दो वजूहात बता देता हूँ और उसके बाद जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। मैं एडसेंस लोडिंग इसलिए आप लोगों को नहीं समझाता, नहीं सिखाता। पहली बात, वो काम काफ़ी रिस्की है। पुरानी वेबसाइट्स, 10-10 पेमेंट रिसीव वेबसाइट्स भी उड़ जाती हैं, ठीक है। आ भी जाती हैं पेमेंट्स, ये बात नहीं है कि नहीं आती, आ भी जाती हैं पेमेंट्स, लेकिन उड़ भी जाती हैं। तो पहली वजह ये कि वो काम रिस्की है, ठीक है। हल्की सी आपसे कोई गलती हो गई, इधर उधर हो गया, या एडसेंस ने उड़ा दिया, आप लोगों ने पकड़ के मुझे गालियाँ देनी है। दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि यार उसके अंदर सेल्फ क्लिकिंग होती है, मतलब कि खुद आपने एड्स पे क्लिक करना होता है। तो ये किसी ज़ुमरे में मुझे मतलब के फेयर भी नहीं लगता कि यार ये चीज़ जो है ये लीगल है, लीगल अर्निंग है, या इसके अंदर कोई अबहाम नहीं है कि यार ये प्योर हलाल है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को एडसेंस लोडिंग नहीं समझाता और ना ही मैं अपने चैनल पे बताता हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए मेथड लेके आया हूँ ना, यकीन करें कि वो एडसेंस लोडिंग, तो उसमें तो वेबसाइटें उड़ भी जाती है ना, ये 100% सेफ काम है, ठीक है। और उसके बाद सबसे मज़े की बात कि ये प्योर 100% हलाल काम है। बस इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अकल चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चाहिए, किस तरीके से चलना है आए आप लोगों को मैं समझाता हूँ। और यकीन करें कि 10-10 लाख रुपए के अंदर मैंने ये चीज़ें बिकती देखी है, यकीन करें, और लोग ले रहे हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए में ये मेथड्स बिकते देखे हैं मैंने। चले आएँ ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, पहले मैं आप लोगों को सारी फिल्म समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि दो चीज़ों को हमने पैरेलल देखना है, ठीक है। एक एड्स टेरा को हमने पैरेलल देखना है, दूसरा हमने एडसेंस को पैरेलल देखना है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है, लॉजिकली समझनी है आप लोगों ने, ठीक है। एक यहाँ पे ये मेरे पास एड्स टेरा को हो गया, इसका मैं ज़रा स्टैट्स ओपन कर देता हूँ इसके, ठीक है। दूसरा मैं आ जाता हूँ एडसेंस के ऊपर, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, कल परसों ही लिया है हमने, और मतलब कि ये अमेरिकन एडसेंस है, सॉरी यूके का एडसेंस है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे डॉलर की जगह यूरो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे आते हैं, इसके भी हम स्टैट्स के अंदर आ जाते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं। रिपोर्ट्स में आने के बाद हम यहाँ पे कंट्री में आ जाते हैं, ठीक है, कंट्री में आ जाते हैं, और ये इस जगह पर ये अपने सामने रख लेते हैं, ओके। चलें अब हम पहले जाते हैं जनाबे वाला इसके अंदर, एड्स टेरा के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारी कोई अगर वेबसाइट है, मेरी तो हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है। ये देखें, ये एक क्लिक है, वन क्लिक, ओके। और इसके ऊपर अर्निंग कितनी मिल रही है, 0.007, कितनी, 0.007, ओके। चले नीचे आए, यहाँ पे ये इस पर तीन क्लिक हैं, और इस पर कितनी अर्निंग हुई है जी, 0.003, ओके, ठीक है। तो मतलब इसके ऊपर अर्निंग बहुत कम है, बहुत लो है, ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रख ली। अच्छा, अब आएँ ज़रा एडसेंस के ऊपर, यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का मैं निकाल लेता हूँ ज़रा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान से अगर क्लिक आए हैं तो 23 क्लिक आए हैं, और इसके ऊपर कितनी अर्निंग बन चुकी है, $2.6, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर यूएई से आए हैं, 3 क्लिक आए हैं, तो $0.5। उधर 3 क्लिक्स के ऊपर कितने थे, यहाँ पे आप लोग आए ये इस जगह पे, तो 3 क्लिक्स पे थे $0.003, और यहाँ पे कितने हैं, $0.5, ठीक है, $0.51। मतलब के ये समझें आप लोग कि एड्स टेरा के अंदर अर्निंग बहुत कम होती है, लेकिन जो एडवर्टाइज़र होता है, मतलब जो एड चलाता है, वो भी जाहिर सी बात है कम पैसे देता है ना। जितने पैसे वो दे रहा है उसमें कमीशन काट के आप लोगों को ये मतलब कि एड्स टेरा का अपना कमीशन काट के आप लोगों को कितना मिल रहा है, 0.003 मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। बरअक्स इसके अगर देखा जाए एडसेंस में, तो एडसेंस आप लोगों को कई गुना ज़्यादा दे रहा है, 0.002 काटें और 3 की जगह 5 करें,
ठीक है, आप लोगों की आंखों के सामने ये मैंने आप लोगों को पहले स्टैट्स दिखा दिए। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब यहाँ पे ये देखिए, एक मैंने ही आप लोगों को समझाई थी ये एड्स टेरा के एड्स लगाने का तरीका, ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अब जो एड चल रहा है ये एड्स टेरा का एड चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी ही वीडियो पड़ी हुई है इसके अंदर, तो ये जस्ट फॉर टेस्टिंग वगैरह मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये भी एड सोशल ऐड चल रहा है, ठीक है, ये भी ऐड चल रहा है। अब ये जो ऐड है ये एड्स टेरा का ऐड है, इसके ऊपर जो भी क्लिक करेगा तो हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो कंपनी का मालिक है जिसने ये ऐड दिया हुआ था एड्स टेरा को ऐड चलाने के लिए, उसके अकाउंट में से 0.003 या 0.001 कट जाएगा और उसका आधा हिस्सा आपको मिलेगा, आधा हिस्सा एड्स टेरा अपने पास रखेगा। समझे इस बात को? अब इस फिल्म को आप लोगों ने थोड़ा सा स्मार्टली समझना है, ठीक है। कैसे, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आए आप लोग इस जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्मार्ट काम करते हैं कि हम अपने आर्टिकल पे या वेबसाइट के ऊपर एक जुगाड़ करते हैं, उस जुगाड़ से हम डबल ट्रिपल फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। कैसे, सारा कुछ समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना ब्लॉग निकालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ साथ में ही मैं ओपन कर देता हूँ जनाबे वाला चैट जीपीटी को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आर्टिकल सर्च करता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग, गिव मी अ डिटेल्ड आर्टिकल, ओके। तो यहाँ पे ये मुझे एक लंबा सारा आर्टिकल उठा के दे देगा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है यूट्यूब से और ब्लॉगिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ज़रा निकाल लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ वापस और यहाँ पे आके मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका दे देता हूँ टाइटल ऑनलाइन अर्निंग और उसके बाद मैं कैची सा लिख देता हूँ वर्क एट होम और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ अर्न $100 डेली, ओके। ये देने के बाद, सॉरी यार डेली के मैं थोड़े स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, ओके। यहाँ देने के बाद यहाँ पे मैं वो सारा जो आर्टिकल है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल आप लोगों के सामने आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मार्ट काम करता हूँ। स्मार्ट काम क्या करता हूँ कि मैं सारी ये जो यहाँ पे मैं अभी विजिटर लेके आऊँगा, मैं ये सिर्फ विजिटर इधर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये सारे विजिटर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आ जाएँ। कैसा मजा आ गया ना? तो यहाँ पे हम जरा लिखते हैं जी, मैंने कहा कि फॉर फ्री वीडियो क्लासेस क्लिक द बटन बिलो, ठीक है। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ जनाबे वाला बटन, ठीक है। तो ये है, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बटन, ठीक है। तो बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ दरमियान में, यहाँ पे मैं इसको दरमियान में ले आया, ठीक है। तो ये हमारा एंड हो गया। अब यहाँ पे इस क्लिक हेयर के बैक एंड के ऊपर, ये यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे इसका लिंक है, मैं आऊँगा यहाँ पे यूट्यूब पे, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा अपने चैनल पे। चैनल पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसका करूँगा लिंक कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा वापस इस जगह पे और यहाँ पे मैं दे दूँगा लिंक और एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है। तो मतलब अब जो इसके ऊपर क्लिक हेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली मेरे YouTube चैनल पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने डबल ट्रिपल तरीके से अर्निंग करनी है। तो यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं कि एक फीचर इमेज भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और गूगल से जाके मैं कोई अच्छी सी इमेज भी उठा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने इमेज उठा ली, इसको सेव एज इमेज किया, JPG में आई, उसके बाद मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पे आके वो मैंने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सेट फीचर इमेज कर दिया इसको मैंने, ठीक है। तो सेट फीचर इमेज हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक और हरकत भी कर देता हूँ, Ctrl+C किया, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। ये मैं हरकत क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा और ये हिंदी में आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा वापस और यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट, इस पूरे को कर दूँगा
यहाँ पे सिलेक्ट करके कर दूंगा इसको सेंटर, सेंटर करने के बाद इसको कर दूंगा बोल्ड। ओके, तो मैंने ये हरकत कर दी एक, ठीक है। इस हरकत का मैं आपको बाद में फ़ायदा समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें पब्लिश की ऑप्शन आ रही है, इसको मैं डायरेक्टली पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ और पब्लिश हो गया, ठीक है। तो व्यू पोस्ट के ऊपर हम जाते हैं तो ये देखें जनाब, ये ऊपर हमारा ऐड भी चल रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा आर्टिकल जो है वो बन के आ गया, ओके हो गया। चलें अब हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है। नेक्स्ट काम क्या शुरू होता है, अब आप लोगों ने आना है जनाबे वाला एड्स टेरा में, यहाँ पे इसको अपने अकाउंट को करना है आप लोगों ने लॉग आउट, आप लोगों ने एक नया अकाउंट बनाना है, साइनअप करना है। ये साइनअप पे आप लोगों ने क्लिक करना है और एज एन एडवर्टाइजर आप लोगों ने साइनअप करना है, ठीक है। एज एन पब्लिशर नहीं करना, एज एन एडवर्टाइजर आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। टेंशन ना लें आप लोग भाई, कोई रेफरल लिंक नहीं है, ये ना समझ रहा हो कोई रेफरल लिंक है, ठीक है ना, कोई रेफरल लिंक शिक नहीं है, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों ने फर्जी से इंफॉर्मेशन देनी है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा एडवर्टाइजर का, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आप लोगों ने कैंपेन के अंदर आना है, कैंपेन के अंदर आने के बाद आप लोगों ने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे अब आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कैंपेन का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूँ डेमो, आप लोगों को समझा भी रहा हूँ साथ। उसके बाद कॉन्टेंट टाइप के अंदर ऑल ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग टाइप में आपने CPM की जगह CPC कर देना है। उसके बाद नेटिव बैनर, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, नेटिव बैनर ही आप लोगों ने रखना है। उसके बाद ट्रैफिक मेन स्ट्रीम प्लस एडल्ट, ये दोनों रखने हैं आप लोगों ने। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अडल्ट तो हराम में आ जाएगा, तो भाई ये हराम में नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एडल्ट वेबसाइट देख रहा है, मतलब कि कोई पॉर्न वेबसाइट देख रहा है, उसके ऊपर भी आप लोगों का ऐड चलेगा, तो भाई वो हराम काम छोड़ के आपके सीधे काम पे आ जाएगा, तो इसका हो सकता है आपको उल्टा सवाब मिले, ठीक है। ये कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने डिवाइस फॉर्मेट मोबाइल, इस पर करना है मोबाइल एंड टैबलेट, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेना है मोबाइल एंड टैबलेट, ओके। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है लैंडिंग URL। वो कहता है जी कि आप के जब ऐड पे क्लिक हो तो बंदा कहाँ पे पहुँचे, तो भाई जान वही मैंने जो आर्टिकल अभी आप लोगों को दिखाया है लिखा है हमने, इसको मैं करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा वापस, सॉरी इस जगह पे, और यहाँ पे आके मैं लैंडिंग पे पेस्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। हमने अपना आर्टिकल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ कान दिमाग हर सुराख खोल के सुने। यहाँ पे अब अफगानिस्तान है, मैं अफगानिस्तान नहीं टच करता, मैं यहाँ पे इंडिया टच करता हूँ, इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया में जो मेरा ऐड चलेगा, तो इसकी ज़रा प्राइस देखें कि मेरे अकाउंट से कितना कटेगा, 0.001। और इसके साथ साथ मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, आप ये कह रहे हैं जी कि प्राइस यहाँ पे एंटर करो, तो मैं 0.001 ऐड कर रहा हूँ। तो ये मुझे बता रहा है जी कि 45,000 क्लिक पर डे हो सकते हैं, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ ऐड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है जी कि इसका जो आपको मिनिमम चार्ज पड़ेगा वो 0.02 पड़ेगा, 0.02, ठीक है, इतना लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखें, दो कंट्रीज मेरी ऐड होगी, मेन टारगेट जो मेरा है वो इंडिया है, ठीक है, ये USA मैंने आप लोगों को वैसे ही समझाया। तो यहाँ पे देखें USA से भाई मेरे $0.02 लग रहे हैं एक क्लिक पे, और मुझे मिल कितना रहा है वहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट नहीं था वो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, ठीक है, उधर से मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है। तो USA से सोचें कि मुझे कितना मिलेगा, ठीक है, USA का तो आपको पता है एक एक क्लिक के ऊपर $8-$10 तक भी मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपने ऐड लगाना होगा, अपना ऐड बनाना होगा। ये साइज़ इसने बताया है 320 और 240। आप लोगों ने सिंपली आना है कैनवा पे, कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन, यहाँ पे ये कस्टम साइज़ आपको दिखा रहा है, ठीक है, कस्टम साइज़ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, वहाँ पे साइज़ देख लेना है। साइज़ क्या बता रहा था हम ज़रा देखते हैं, 320x240, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 320x240, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वो एक ऐड, ये देखें ऐड का पूरा फॉर्मेट बना के उसने आपको दे दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कोई टेम्पलेट सर्च कर लेता हूँ अर्न मनी के नाम से, ठीक है, अर्न मनी के नाम से कर ली मैंने, और ये देखें ये टेम्पलेट्स आ गए हैं। इसको मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है,
और ठीक है, तो ये देखें, ये सारा कुछ आ गया। वॉन्ट टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसको मैं कर देता हूँ एट होम। और यहाँ पे ये देखें, ये है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ पे मैं दोबारा से टेक्स्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ सॉरी, टेक्स्ट डालता हूँ, ये वाला उठा के ना यहाँ पे ये डालता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ $100 डेली। ओके, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको कर दिया छोटा। छोटा करने के बाद मैंने इसको उठाया, इसकी मैंने थोड़ी सी कर ली सेटिंग। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे सिंपली ऊपर शेयर की ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं सिंपली कर लूँगा डाउनलोड। ठीक है, तो ये अभी मेरे सामने डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, अभी प्रोसेस हो रहा है, डाउनलोड हो गया। वापस आऊँगा इस जगह पे। इस जगह पे आने के बाद ये क्लिक है, तो मैं जाऊँगा अपने इसमें, ये पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा। ये यहाँ पे कह रहा है कि इसको क्रॉप करना है कि नहीं करना, तो मैं इसको कह रहा हूँ जी के इसको फुल कर दो यार जी। तो इसको कंप्लीट कर दिया, क्रॉप इमेज पे क्लिक किया, तो ये मेरा एड बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा, थोड़ी देर इसको ज़रा लगेगी, ठीक है, इसको सेट करने में जी। तो ये हो गया। यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग एड। ठीक है, एड का नाम देना है। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ अर्न $100 डेली। ओके, इतना लिख के उसके बाद ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, बजट। बजट आप $25 से ऊपर की ही कैंपेन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं $26 लगा देता हूँ। ओके, हो गया, $26 लगा दी। उसके बाद आप लोगों की एक बार वेरिफिकेशन लाजमी से होगी, आपका एड चेक होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का एड जो है वो रन हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग ये यहाँ पे नीचे step 2 है, 3 है, 4 है, इसको मैं बेहतर है कि आप लोग छोड़ ही दें। ठीक है, ये आप लोगों के काम का नहीं है फिलहाल। तो अभी ये देखें जी कि हमारा जो ऐड है ये तकरीबन बराबर हो चुका है। ओके, चलें अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको कर देते हैं सबमिट। यहाँ पे हम करते हैं सबमिट पे क्लिक। तो अब जब हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऐड है वो चला जाएगा जनाबे वाला इसके अंदर, रिव्यू के अंदर। ठीक है, तो ये देखें, ये सारी चीज़ें मुझे बता रहा है कि ये चीज़ें आप लोगों ने सेलेक्ट की हैं। और ओके हो गया और मैं इसको कर रहा हूँ सबमिट। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जी आप लोगों की जो कैंपेन है वो वेरिफिकेशन के लिए चली गई है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को ईमेल आएगी और आप लोगों की कैंपेन जो है वो रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, अभी ये खुद ही इसने रीडायरेक्ट किया है और मुझे मेरे कैंपेन के डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहाँ पे मेरी कैंपेन जो है वो अंडर रिव्यू में होगी। ठीक है, तो ये देखें जनाब, हमारी ऊपर जो है ये वेरिफिकेशन के लिए गई हुई है और लेट्स सी कि ये किस टाइम हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो जैसे वेरीफाई होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे एड्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर आप लोगों के पास पैसे होने चाहिए। अब ये मैं $26 लगा रहा हूँ, तो इससे मैं $26 से $150-$200 तो आराम से बनाऊंगा। ठीक है, नज़र आ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे आप लोग आएंगे तो ये इस जगह पे फाइनेंस की ऑप्शन है। ठीक है, फाइनेंस के अंदर जाएंगे और अपना कार्ड ऐड करेंगे और यहां से पेमेंट आप लोग ओके कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम जो इसके अंदर आप लोगों को फाइनेंस करना पड़ेगा वो आप लोगों को $100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्ड की ऑप्शन है, कार्ड के थ्रू आप लोग पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत से लोग, मैं भी सोच रही हूँ कि ये काम थोड़ा सा रिस्की है, ये है वो है, भाई मैंने अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये मैंने इंप्लीमेंट किया है। जब आपकी ट्रैफिक लीगल होती है ना, फिर बेशक आपका CTR बढ़ जाए, नो प्रॉब्लम। फिर बेशक आप लोगों का CPC बढ़ जाए, नो प्रॉब्लम। जब एक ट्रैफिक ऑर्गेनिक आ रही है, बिल्कुल लीगल आ रही है, उसके ऊपर आप लोगों को कोई किसी किस्म का मसला नहीं आता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब मेरा रेवेन्यू अपडेट होगा तो इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सारी डिटेल्स। किसी को कोई मसला हो तो मेरे साथ शेयर कर सकता है। इंस्टा का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। किसी किस्म का इशू है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। होप सो ये मेथड आज तक किसी ने आप लोगों को नहीं समझाया होगा। तो भाई इस वीडियो का जो लाइक टारगेट था ना वो 10,000 था, याद है ना? तो लाइक लाजमी से कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी से ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।